इस सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये इस यूनिवर्स के एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ पर आधारित है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब उसी फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा, उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये नियम समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय। अब मैं आपको रियलिस्टिक, इस एग्जाम्पल को रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मान लीजिए ये जो हमारा सिस्टम है, ये कोई हीट इंजन है। हीट इंजन अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी यूनिट में, ठीक है। एक दो टर्न के बाद इसका नंबर आ जाएगा। हीट इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्नोट इंजन भी आता है। तो उसी से मैं इसको कनेक्ट करते हुए बता रहा हूं, ताकि जब आप लोग ये पूरा क्रम वाइज में पढ़ते हुए जब आप पूरा यूनिट कवर करेंगे, तब आपके जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो अच्छे से डेवलप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं सिस्टम जो कंसीडर कर रहा हूँ, ये सिस्टम मान लीजिए कोई हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन ऊष्मा को कार्य में बदलता है, ठीक है। वो हीट एनर्जी को वो वर्क में बदलता है। तो मान लीजिए ये कोई निकाय है, और निकाय यानी सिस्टम, यानी ये कोई हीट इंजन है। मैं इसको 100 यूनिट का हीट देता हूं, ठीक है। 100 यूनिट मैं इसको हीट यानी ऊष्मा देता हूं। अब मान लीजिए ये जो हीट इंजन है, इस 100 यूनिट ऊष्मा को, हीट को लेके मान लीजिए 80 यूनिट जो है, 80 यूनिट जो हीट है उसको कन्वर्ट कर देता है वर्क में, कार्य में, ठीक है। 100 यूनिट का मैंने इसको हीट दिया ऊष्मा, इसमें से 80 यूनिट का उस हीट इंजन ने कार्य किया, और बचा हुआ जो 20 यूनिट जो हीट था, उस हीट को उसने यूज किया अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि कभी जब आपको हीट इंजन पढ़ाएंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हीट इंजन पूरे ऊष्मा को, पूरे हीट को कभी भी कार्य में नहीं बदल सकता। इस पे एक लिमिटेशन है, और वो जो लिमिटेशन है वो भी एक लॉ है, उसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पे समझिए कि 100 यूनिट जो उष्मा है, इसका 80 यूनिट कार्य हुआ, बाकी जो 20 यूनिट है वो इंटरनल एनर्जी में बढ़ाने में खर्च हो गया। तो आप इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करेंगे तो 100 यूनिट हीट, ठीक है, 100 यूनिट हीट इज इक्वल टू 80 यूनिट वर्क प्लस 20 यूनिट इंटरनल एनर्जी में खर्च हुआ। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब इसको ऐसे पढ़िए, डेल्टा क्यू मतलब आपने जो सिस्टम को हीट दिया, डेल्टा डब्ल्यू मतलब इस हीट को लेके सिस्टम ने जो वर्क परफॉर्म किया, और डेल्टा यू मतलब इस हीट का कुछ पार्ट जो उसने अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर लिया, वो ये बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये बैलेंस होना चाहिए। अगर इधर जो हीट जो एनर्जी के फॉर्म में 100 यूनिट दिया गया है, तो फाइनली आपको 100 यूनिट लास्ट में मिलना भी चाहिए। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टोटल 100 यूनिट मान लीजिए इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गया, वर्क हुआ ही नहीं, तो ऐसे में वर्क जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है, आपने इस पत्थर के टुकड़ा को 100 यूनिट मान लीजिए हीट दिया, 100 यूनिट आपने हीट दिया, तो ये पत्थर का टुकड़ा आप जानते हैं ये वर्क तो करेगा नहीं, ये पूरा का पूरा हीट का यूज करेगा अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। वर्क इन द सेंस, इस पत्थर के टुकड़े में वर्क जब भी होगा, वर्क आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो वर्क होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यानी इस पत्थर के टुकड़े में कोई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में चेंज होगा, तब हम लोग कुछ वर्क को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए वो उसको नेग्लेक्ट मान लीजिए, तो ये वर्क डन यहाँ पे लगभग जीरो हुआ, यानी टोटल जो है यहाँ पे जो आपने हीट दिया वो पूरा का पूरा इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, लेकिन फिर भी ये बैलेंस होना चाहिए ये एनर्जी। तो एक बात आप लोग यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं तय कर पाता कि जो हीट एनर्जी दिया गया है उसका कितना पार्ट वर्क करेगा सिस्टम, और कितना पार्ट उसका अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली एनर्जी का बैलेंस बताता है।
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक लिमिटेशन भी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता कि जो आपने सिस्टम को हीट दिया है उस हीट का कितना भाग वो वर्क करेगा और कितना भाग अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर आपने यहाँ पे हीट दिया है सिस्टम को तो कुछ वर्क होना चाहिए, कुछ इंटरनल एनर्जी में जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें वर्क नहीं होता, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो उसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों आखिर उसमें वर्क डन जीरो है, टोटल हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गया। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहीं पे एक लिमिटेशन भी आ जाता है कि ये जो है ये नहीं बता पाता कि हीट एनर्जी का कितना पार्ट वर्क में चेंज होगा और कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली केवल एनर्जी का बैलेंस बताता है। ठीक, अब यहाँ पे नोट्स सेगमेंट देख लीजिए। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोस ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देन द नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब इस नियम के अनुसार किसी बंद निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में होने वाले वृद्धि के योग के बराबर होता है। और ये उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ। आप लोग याद रखिए कि आपने सिस्टम को किसी निकाय को कुछ ऊष्मा दिया, उस ऊष्मा का प्रयोग करके सिस्टम ने कुछ कार्य किया और बचा हुआ जो भाग था उससे अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा ली। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो शुरू शुरू में आपने जितना भी हीट दिया है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को आप न तो एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब इधर ये जो हीट एनर्जी है इसको आपने वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, क्योंकि वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी होता है। ठीक है ना, कार्य भी ऊर्जा का ही एक प्रकार होता है। तो यहाँ पे सिंपल ये एनर्जी बैलेंस हो गया। अब नोट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। The first law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be just changed from one form to another form. यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। ये नियम कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ऊष्मा और कार्य आपस में बदले जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है। पहला पॉइंट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टैब्लिश एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हीट एंड वर्क के बीच में एक रिलेशनशिप देता है कि हीट एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेबल, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कितना हीट का कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट होगा ये नियम नहीं बोल पाता है। समझ में आया ना, हीट का कितना परसेंट कन्वर्जन वर्क में होगा, एग्जैक्टली किस प्रोसेस में कितना होगा, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता है। ठीक है, ये भी नहीं बता पाता है कि हीट वर्क में कन्वर्ट होगा भी या नहीं होगा, ये भी नहीं बता पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मा गतिक निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कहीं ना कहीं ये यह भी बताता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रत्येक सिस्टम एक इंटरनल एनर्जी, एक आंतरिक ऊर्जा रखता है। ठीक है, ये आंतरिक ऊर्जा जो है वो हीट कंटेंट से अलग होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको इंटरनल एनर्जी वाले पार्ट में समझाया था कि हीट कंटेंट और इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी भी सिस्टम में हीट कंटेंट आप बाहर से कोई हीट नहीं दिए हैं, कोई हीट कंटेंट वहां पे नहीं है, फिर भी उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हीट एनर्जी का जो एक प्रकार से कहिए कि जो जन्म होता है या फिर वो तभी लाइट में आता है जब दो पिंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। मान लीजिए ये दो कोई पार्टिकल है, इनके बीच इनका टेम्परेचर T1 है, इनका T2 है। इनके बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। बात समझ में आया? जब दो पार्टिकल्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहां पे एनर्जी होगा इनके अंदर, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होगा। समझ में आया? जबकि जो वर्क होता है, वर्क किसी पार्टिकल में विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस लाइट में आता है, प्रकाश में। जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है, मैंने इस पे एक एक मान लीजिए मैं इसको धक्का दे दिया, मैंने इसको एक धक्का दे दिया या किसी दूसरे पिंड का प्रयोग करके मैंने इसको धक्का दिया और दोनों पिंड का टेम्परेचर सेम है, तो भी देखा जाए तो इस पिंड ने इसके ऊपर एक एनर्जी ट्रांसफर किया, तभी तो इस पिंड ने कार्य किया और ये मान लीजिए आगे चला गया किसी और पॉइंट पे। तो देखा जाए तो ये पिंड जो आके, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये बॉल आके एक दूसरे बॉल में टकराता है, तो ये जो बॉल है ये अपने एनर्जी को इस बॉल में ट्रांसफर कर दिया और इस बॉल ने आगे आगे बढ़ के कुछ कार्य किया। तो यहां पे दोनों बॉल का टेम्परेचर सेम है, फिर भी इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो जब टेम्परेचर सेम है तब जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो वहां पे जो एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। समझ में आया? यानी वर्क भी एक एनर्जी का ही रूप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हिंदी में देख लीजिएगा, साम्यावस्था में प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय की कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है जो सिर्फ निकाय के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो सकता है, बशर्ते दोनों पिंड के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, एक मिनट जरा रुकिएगा। ऊष्मा जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में था, सही बात। इसीलिए इंटरनल एनर्जी को किसी भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ डज नॉट टेल अस द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड इट कैन ऑल्सो डज नॉट स्पेसिफाई हाउ मच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्क। मतलब यह नियम किसी प्रक्रिया के संभावना के बारे में कुछ नहीं कहता है, साथ ही यह नियम यह भी नहीं बता पाता कि ऊष्मा का कितना भाग कार्य में बदलेगा। ठीक है, कोई प्रोसेस अगर नेचर में हो रहा है तो उसके होने की संभावना कितनी है या होगा नहीं होगा, इसके बारे में यह नियम कुछ भी नहीं कहता है, और न ही ये यह बता पाता है कि ऊष्मा का कितना परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट होगा, कितना परसेंटेज इंटरनल एनर्जी के रूप में रहेगा, ये भी नहीं बता पाता। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली एनर्जी का बैलेंस बताता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये टॉपिक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स, ठीक है, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट पार्ट ए, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आप लोग का पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो पार्ट ए थर्मल फिजिक्स का है, तो उसी थर्मल फिजिक्स में जो यूनिट नंबर 1 है इसके अंतर्गत यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेंशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।